ठीक है। अच्छा बोर्ड बोर्ड में कितने कितने टाइप की सप्लाई होती है? सप्लाई वोल्टेजेस जो होती हैं वो कितने कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या वैल्यू होता है जरा बताइए। पहला, S5 अरे नहीं, वोल्टेज वोल्टेज। वोल्टेज, हाँ 19 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। 3 वोल्ट, और लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ट्वेंटी सारा वोल्टेज लिख रहे हैं। 19 वोल्ट, 28 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 28 वोल्ट, 1.8 वोल्ट दिख रहा है। हाँ 1.05 वन कुछ लिखा पॉइंट नहीं रहा लिखा नहीं रहा है। है। अच्छा ठीक है सर, मेरा जूम था मेरा। अच्छा ठीक है ठीक है। अब और क्या होता है? ठीक 1.5 वोल्ट है, और DDR4 में तो 1.2 है। वो रैम भूल जाओ, सब अलग अलग होता है, उतना नहीं देख रहे हम लोग अभी। हम लोग नॉर्मल वोल्टेजेस क्या क्या होता है मदरबोर्ड में? 28 वोल्ट होता है एक, और क्या होता वन है? पॉइंट पॉइंट वन वन पॉइंट नाइन फाइव वन वोल्ट भी होता है। दो वोल्ट होता है, हाँ 2 पॉइंट वोल्ट, नाइन फाइव 6 वोल्ट होता है, 0.75 होता है, 15 वोल्ट होता 0.9 वोल्ट होता है, है। हाँ 15 15 वोल्ट होता है। ठीक है, 12 12 वोल्ट 12 भी मान लिया, 12 वोल्ट भी होता है। और बोलो। और बस इतना ही वोल्टेज होता है? हाँ सब ये इतना ही होता है। पक्का? हाँ ठीक है, इतना ही होता है। तो ये सारे वोल्टेजेस क्या हमें रेगुलेटर से मिलती हैं? पक्का, रेगुलेटर से मिलता है ना लगभग सारा वोल्टेजेस? ठीक है, 19 वोल्ट है ना। 19 वोल्टेज छोड़ के, 19 वोल्टेज छोड़ के इसको हाँ स्टार, इसको स्टार लगा दो। ठीक है, बाकी सारा रेगुलेटर से मिलता है। हाँ ठीक, तो इन सब का वीन कौन होता है? 19 वोल्ट, 19 वोल्ट 19 वोल्ट होता है। ठीक है, ये 19 वोल्ट आता कहाँ से है? चार्जिंग एडेप्टर्स। अडैप्टर से आता है। हाँ पक्का अडैप्टर से आ रहा ना ये? ठीक हाँ है, अडैप्टर के बाद आने के बाद ये कहाँ जाता है? चार्जिंग आईसी, वेरी, चार्जिंग आईसी यहाँ पर क्या के हो गया? चार्जिंग आईसी। ठीक है, हाँ? इसका मतलब क्या है? ये 19 वोल्ट जहां जहां जा रहा है, ये सारी वोल्टेज जहां जहां बन रही है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर एडेप्टर ठीक तक लिखिए, उसके बाद नहीं लिखिए, उसके बाद नहीं आया सर, है, फिर शायद उसके अडैप्टर तक आया ना? एडेप्टर, हाँ एडेप्टर तक आया, उसके अडैप्टर के बाद बाद कहाँ जाता है? चार्जिंग आईसी। हाँ चार्जिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बताइए? इसका मतलब है कि अगर ये सारी वोल्टेजेस में से कोई भी वोल्टेजेस नहीं मिल रही है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? 19 वोल्ट, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल 19 वोल्ट है, तो 19 वोल्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब चार्जिंग आईसी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि 19 वोल्ट को स्विच कराना किसका काम है? चार्जिंग ऐसी कुछ समझ में आया? चार्जिंग कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अरे आवाज क्लियर नहीं हो, तुम लोग आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, आ रही आवाज? हाँ मेरे पास नहीं आ रही। हेलो, हेलो आ रही अब? हेलो, हाँ सर, ठीक है हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है। आकाश आ रही है ना आवाज? सर, ठीक है, हाँ हाँ
अब ये बताओ, अब समझ में आया कि ये आया सारी ये हाँ सर। हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है? हाँ, हाँ, मेरे पास भी आ रही तीनों के बाद। तो हमें अगर ये सारी रेगुलेटर पे वोल्टेजेस चाहिए, इसके आउटपुट पर अगर सब सारे रेगुलेटर के कॉइल पे वोल्टेज चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या 19 वोल्ट अवेलेबल होना चाहिए वी इन, ठीक है? उस वी इन को अवेलेबल होने के लिए चार्जिंग आईसी का अवेलेबल होना जरूरी है। उस वी इन को स्विच करके इन सारे मतलब वी इन पे जाने के लिए, मतलब इस 19 वोल्ट को स्विच करके इन सब का वी इन बनाने के लिए हमें चार्जिंग आईसी का इम्पोर्टेंस है, चार्जिंग आईसी का जरूरत है जरूरत, ठीक है? तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि इसी के बाद ही 19 वोल्ट मदरबोर्ड के अंदर जाएगा, जाएगा ना। चार्जिंग आईसी स्विच करा के 19 वोल्ट को मदरबोर्ड के अंदर डालेगा तभी तो हमारा रेगुलेटर सब काम करेगा, ठीक है ना। अगर 19 वोल्ट इन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी रेगुलेटर काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अगर कोई भी रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, चार्जिंग आईसी रिस्पॉन्सिबल है 19 वोल्ट एंट्री कराने के लिए, ठीक ठीक है। अब चार्जिंग आईसी कैसे काम करती है और चार्जिंग आईसी कैसे रिलेशन है इसका 19 वोल्ट से, उसके बाद जो है ये मदरबोर्ड में कैसे 19 वोल्ट एंट्री कराती है, उसके बाद जो है वो 19 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है, और इसके अलावा चार्जिंग ऐसी और क्या क्या काम करती है, ये सारा चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब आवाज आ रही है, मेरे लगता है यहाँ पर कनेक्टर का दिक्कत है, वो बार बार फिक्स करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, 19 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, चार्जिंग एक मिनट रुको यार, हम तुमको कॉल फिर से हम कनेक्ट करते हैं, ये कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, कनेक्टर की आवाज़ तुम लोग की कट जा रही है, हम चेक करते हैं। ये देखो, अब हम लोग कहाँ कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं 19 वोल्ट की मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है ना। अभी हम तुमको बेसिक जो पिछले क्लास में बताया था, हो सकता है ज्यादा हो गया हो, क्योंकि उस दिन रैम भी पढ़ा रहे थे हम, तो अभी हम फिर से उसका ओवरव्यू दे रहे हैं तुम लोग को दोबारा से, ठीक है ना, कि कैसे हमारी चार्जिंग आईसी जो है 19 वोल्ट को मदरबोर्ड के अंदर एंट्री कराएगी, और वही 19 वोल्ट जो है हमारा हर एक रेगुलेटर पे जाएगा, और वो रेगुलेटर हमें आउटपुट देगा जो हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, ये आ गया हमारा क्या, फर्स्ट मॉस्फेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोई भी एक हो सकता है, हमारा ब्लॉकिंग मॉस्फेट हो सकता है, और एक जो हमारा क्या हो सकता है, स्विचिंग मॉस्फेट हो सकता है, ठीक। यहाँ पर है हमारी चार्जिंग आईसी, ये हो गई क्या हमारी, चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अब देखो, ये 19 वोल्ट जो है ना, पहले ही चार्जिंग आईसी पे आती है, ठीक है। और ये चार्जिंग आईसी इसको दो फॉर्म में डिटेक्ट करता है, हाँ ठीक है। एक क्या होता है, डीसी इन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एसी इन, ठीक। इसका नाम एसी डिटेक्ट भी होता है, ठीक है ओके। अब देखो, यहाँ जब इसके पास 19 वोल्ट एंट्री आ गई, एसी डिटेक्ट इनपुट हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, इन 19 वोल्ट इसने इसको लग गया कि अब भाई अडेप्टर हमारा मदरबोर्ड में लग चुका है। जब अडेप्टर मदरबोर्ड में लग चुका है, तब ये क्या करेगा, अब यहां से निकालेगा क्या, पहले एक निकालेगा 6 वोल्ट का एलडीओ, क्या निकालेगा, 6 वोल्ट का एलडीओ। कभी चेक किया है इसको मदरबोर्ड में, कभी चार्जिंग ऐसे जब चेक किए तो ये चेक किया है, एक दो बार चेक किया सर, मिलता समझ है, नहीं आया, समझ में नहीं आया है, ठीक है, आएगा तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अभी दिखाएंगे कैसे निकलेगा 6 वोल्ट का एलडीओ, ठीक है। ये एलडीओ निकलेगा, उसके साथ साथ निकलेगा क्या, एक एसी ओके, क्या निकलेगा, एसी ओके। ये एसी ओके एक्टिव हाई भी हो सकता है और एक्टिव लो भी हो सकता है, ठीक है।
अब ये एसी ओके जाएगा तो क्या होगा, कहाँ जाएगा एसी ओके हमारा? आईओ पे। ये हमारा जाएगा किस पे? आईओ के पास, ठीक है। एसी ओके आईओ के पास जाएगा, जैसे ही एसी ओके आईओ के पास जाएगा तो आईओ क्या करेगी, अब कम्युनिकेट करना शुरू करेगी किससे, चार्जिंग आईसी से, ठीक है। SDL, ठीक। अब ये एसी ओके जब इसके पास आएगा तब आईओ जो है सिग्नल निकालेगी और ये क्या करेगी, ये स्विच करेगी इस दोनों मॉस्फेट को, ये दोनों मॉस्फेट आईओ स्विच करेगी। देखो अलग अलग लॉजिक में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, कहीं पे चार्जिंग आईसी स्विच करती है, कहीं पे आईओ स्विच करती है, कहीं पे 19 वोल्ट ही स्विच कर देती है उसको। अलग अलग जो है ना हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मदरबोर्ड का, सबका अलग अलग लॉजिक है, इसमें कोई एक फिक्स लॉजिक नहीं है कि आईओ ही करेगी या चार्जिंग आईसी ही करेगी या हमारा 19 वोल्ट से ही होगा, लॉजिक सबका अलग अलग है, ठीक है। अलग मोड में अलग तरीके से सब काम करता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसमें कि यही करेगी इसमें, ठीक है ना। तो किसी केस में क्या होगा, हमारा चार्जिंग आईसी दोनों को इनेबल कर रहा होगा, ठीक है। वो केस कब होगा, जब हमारा एसी ड्राइव निकलेगा, एसी ड्राइव है ना, एसी ड्राइव जब निकलता है तब ये हमारा वो चार्जिंग आईसी से निकल के इस दोनों को इनेबल करता है। हम देखेंगे चार्जिंग आईसी जब पढ़ेंगे तो इंटरनली, जब ये दोनों मॉस्फेट स्विच हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी आगे, 19 वोल्ट सप्लाई पास हो जाएगी, ये यहाँ से स्विच होकर यहाँ आएगी और ये स्विच होकर यहाँ मिल जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डीसी बैट आउट, ठीक है। ये होता है क्या हमारा, डीसी बैट आउट। अब ये 19 वोल्ट सप्लाई जब मिल जाएगी हमें, तब यही 19 वोल्ट सप्लाई जो है कहाँ जाएगी, मदरबोर्ड में जाएगी। एक काम चार्जिंग ऐसी का ये है, दूसरा काम चार्जिंग ऐसी क्या है, बैटरी को चार्ज करना, दूसरा काम क्या है, बैटरी को चार्ज करना। तो ये जब यहाँ से 19 वोल्ट आएगी हमारा, यहाँ अपर मॉस्फेट होगा और क्या होगा, लोअर मॉस्फेट होगा, ठीक है, अपर मॉस और क्या होगा, लोअर मॉस, है ना। इस दोनों को हमारे चार्जिंग ऐसी क्या करेगी, अब स्विच कराएगी। जब ये स्विच कराएगी तो हमारा कॉइल से वोल्टेज बाहर जाएगी और हमारा बैटरी जो है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, तो लेकिन वो जब आप रिकॉर्डिंग भेजोगे ना तो नहीं दिखेगा। अच्छा, तो इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ से निकल के ये यहाँ पे आके बैटरी को चार्ज कराएगी, अब दिखेगा ना रिकॉर्डिंग में, ये बैटरी है, बैटरी को यहाँ आके चार्ज करेगी। अभी तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, इसकी रही मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सब चीज पढ़ाया जाएगा अभी डिटेल में अंदर में। तो समझ में आया कि दो काम है चार्जिंग आईसी का, क्या काम है चार्जिंग आईसी का, 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करना और चार्ज करना, 19 वोल्ट को मदरबोर्ड में डालना, और दूसरा काम क्या है, हमें बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। ये दो काम समझ में आ गया चार्जिंग आईसी का, कोई डाउट नहीं तीनों को इसमें, ठीक है। चलो अब हम लोग चार्जिंग आईसी के अंदर चलते हैं। ठीक है, अभी ये हम लोग अब देखेंगे इसका क्या, इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये चार्जिंग आईसी है ना, चार्जिंग, ठीक है। हाँ, अब चार्जिंग आईसी में आप लोगों को क्या क्या बताया मैंने ओवरव्यू में, पहला क्या बताया था, चार्जिंग आईसी क्या क्या डिटेक्ट करती है, डीसीएन सिलेक्ट कर, वो देखेगी कहीं कहीं पे डीसीएन का नाम क्या होगा, वीसीसी होगा, ठीक है। डीसीएन का नाम क्या होगा, कहीं पे वीसीसी होगा, ठीक है। अब देखो ये डीसीएन हमारी आ गई यहाँ पर 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट एंट्री कर रही है मदरबोर्ड में, इस रेजिस्टेंस के थ्रू 19 वोल्ट 20 नंबर पिन पे एंट्री कर गई, 19 वोल्ट आ गई मदरबोर्ड में। दूसरा काम क्या बोला था हमने, एसी डिटेक्ट मिलना चाहिए हमें, ठीक है। एसी डिटेक्ट कहां से आ रहा है, एसी डिटेक्ट का नाम ही होता है एसी इन, ठीक है, कहीं कहीं पे ये क्या होगा, एसी इन के नाम से होगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, कितना वोल्टेज मिलेगा एसी डिटेक्ट पे बताओ,
हम कैलकुलेट करते, तुम भी कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 2.5 आ रहा है ना, 2.5 आ रहा है, ठीक है। इसको याद रखना है कितना आ रहा है, यहाँ पे हम भी लिख लेते हैं। ये वोल्टेज कितना आ रहा है, ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। एग्री इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। एसी डिटेक्ट आ गया था, उसके बाद क्या आना था, LDO 6 वोल्ट LDO क्या आना था, 6 वोल्ट LDO, 6 वोल्ट LDO आना था ना, 6 वोल्ट क्या हो रहा है, खत्म क्यों आ रहा है, 6 वोल्ट LDO नहीं आना था अभी, हाँ सॉरी 6 वोल्ट LDO पहले आना था, उसके बाद एसी। ओके, तो ये LDO है हमारा कहाँ पे, REGN, क्या है REGN, ये REGN था ना हमारा 3-5 में, याद आ रहा है, REGN और वी रेफरेंस, ये तीनों था ना हमारा LDO, तो REGN जहाँ पर होती है ना वो LDO होता है, अब समझ में आ जाएगा ना, REGN जहाँ लिखा होता है वहाँ क्या होता है, वो LDO होता है, ये हमारा क्या है, LDO है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये LDO कितना आ रहा है भाई, 6 वोल्ट आएगा हमने बोला है, अभी देखेंगे इंटरनली 6 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा REGN, ये हमारा यहाँ पर LDO मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, तीसरा पॉइंट क्या बताया था, ACOK यहाँ पर ACOK कहाँ है, ये है ACOK हैश, ACOK हैश का क्या मतलब है, लो एक्टिव, लो है ना, लो में वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या लो मिलना चाहिए उसको, तब लो मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, पक्का, ठीक। यहाँ से हमें एक्टिव लो मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, अब देखेंगे वो कहाँ से एक्टिव हो रहा है, नहीं एक्टिव हो रहा है, जब इसको डिटेल में देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या बताया हमने, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आयो आयो पे जाएगा, आयो के बाद क्या होगा, SDA-SCL एक्टिव हो जाएगा, है ना, SDA-SCL एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, चार्जिंग IC और आयो के बीच कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना, चार्जिंग IC और आयो के बीच कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। अब SDA पे क्या मिलेगा, SCL पे क्या मिलेगा, वो सब हम लोग देखेंगे अभी, SDA-SCL पे क्या क्या मिलेगा हमें, बाकी अभी ये कम्युनिकेशन शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या बताया, उसके बाद हमारी चार्जिंग आईसी स्विच होगी, होगी ना, स्विच होके कहाँ जाएगी, ये 19 वोल्ट पे स्विच होके यहाँ आएगा, ठीक है, जब ये यहाँ आएगा उसके बाद देखो बना हुआ, पहले मैंने बना के रखा है इसको, ये 19 वोल्ट स्विच होके यहाँ आएगा और ये 19 वोल्ट कहाँ पहुंच गया, पावर SRC और SDCIN, DCIN हो गया ना ये 19 वोल्ट और पावर SRC के फॉर्म में आ गया, अभी पावर SRC जो है ना सारी जगह जाएगा 19 वोल्ट बनके, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा देखो क्या होगा, ये 19 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, ये हमारा 19 वोल्ट यहाँ तक आया था, है ना, ये 19 वोल्ट यहाँ तक आया था, ये अपर MOSFET है, ये लोअर MOSFET है, अब ये 19 वोल्ट यहाँ से स्विच होगा और स्विच होने के बाद हमें क्या मिलेगा, बैटरी पे सप्लाई मिलेगी और हमारी बैटरी क्या होगी, चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, बैटरी चार्जिंग तक पहुंच गया। तो दो काम क्या क्या किया इसने, मदरबोर्ड में 19 वोल्ट को स्विच करा, मदरबोर्ड में डाला, दूसरा काम क्या किया इसने, बैटरी को चार्ज किया, दोनों काम कर रहा है ये, डाउट नहीं इसमें, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये कौन सा है, ये कौन सा MOSFET है, पूरा बड़ा कर दिया जैसा, अरे एन चैनल पी चैनल नहीं पूछ रहे हैं, ये MOSFET क्या करेगा, ये वाला डिस्चार्जिंग ना सर, डिस्चार्जिंग करेगा ये MOSFET,
नहीं, ये मॉस्फेट बैटरी मोड पे चाहिए, ये बैटरी मोड के लिए बैटरी मोड, हां बैटरी, ये बैटरी मोड के लिए मॉस्फेट है ठीक है। हां अच्छा ये बताओ अभी ये मॉस्फेट ऑन है या ऑफ है? ऑफ है अभी तक, 19 वोल्ट होगा तो ऑफ, 19 वोल्ट होगा तो ऑफ है। कैसे ऑफ है? यहां 19 वोल्ट है ना, ठीक है 19 वोल्ट यहां पे, ये 19 वोल्ट कहां जा रहा है? इसके गेट पे जा रहा है। ये कौन सा चैनल है? पी चैनल है, पी चैनल है ना, पी चैनल तो ऑफ कर दिया, चैनल है तो क्या होगा? ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ना, तो जब बैटरी एडाप्टर रहेगा तो ये ऑफ हो जाएगा ठीक है। हां ऑफ हो जाएगा तो हमारी क्या होगी, ये मॉस्फेट स्विच नहीं हुआ? नहीं, पर डायोड मोड में तो ऑन होगा ना। डायोड मोड में ऑन होगा तो फिर यहां पर वोल्टेज कैसे मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा फिर वोल्टेज डायोड मोड में जब ये ऑन हो जाएगा तो? बताओ भाई आकाश, डायोड मोड में ऑन हो जाएगा ये बैटरी का वोल्ट आएगा, चार्जिंग सप्लाई मिलेगा तुम्हें। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही है ना हमारी, यहाँ पर 19 वोल्ट है ना, हाँ यहाँ पर, और ये हमारी बैटरी की वोल्टेज है, हाँ ठीक है, तो ये डायोड मोड में ऑन हो जाएगा, हो जाना चाहिए इसको मॉस्फेट को, अगर ये हमारा ऐसे ऑन नहीं हो रहा तो। बताओ तो, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो, जम्पर मार दे। कैसे जम्पर मारूंगा सर? अरे आपका आवाज थोड़ा सोर्स पर तो हमारा 19 वोल्ट, तो ड्रेन सोर्स पर मेरा 19 वोल्ट, ड्रेन पर 12 वोल्ट, तो डायोड मोड में तो ऑफ मोड में जाएगा ना, यही बात है, वेरी गुड राजू भाई। अगर आगे बात सोर्स पर कम वोल्टेज हो तो ऑन होगा, समझ में आया? भूल गए बेसिक, डायोड को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए था, एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, चाहिए था ना 0.7 का डिफरेंस होना चाहिए था दोनों के बीच में, ठीक है, तो यहाँ तो लेकिन इसके ड्रेन पे ही 12 वोल्ट है और सोर्स पे 19 वोल्ट है, तो डायोड तो रिवर्स में काम कर रहा है ना, कर रहा ना रिवर्स में, रिवर्स में काम करेगा तो डायोड ऑन होगा क्या? नहीं, तो कैसे डायोड मोड में ऑन करा रहे थे तुम? नहीं, चार्जिंग सप्लाई सर मैं आपको 19 समझ रहा था, 19 समझ रहे थे, चलो ठीक है, ये समझो यहाँ, अब ये समझो, अब ये अगर ये मॉस्फेट शॉर्ट हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत होगी? बैटरी और चार्जिंग एक साथ नहीं, बैटरी पे चलेगा, लेकिन अडेप्टर खोल दो तब भी चलेगा बैटरी, मतलब फिर ऑफ मोड भी बैटरी डाउन हो जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगी, वही तो हम बोल रहे हैं, हमारा क्या होगा, बैटरी पे चलेगा अडेप्टर पे नहीं चलेगा, ठीक है, हमेशा बैटरी की शॉर्ट रहेगी ना, हमेशा 12 वोल्ट ही आता रहेगा ना वहाँ पे, बैटरी चार्जिंग भी नहीं होगी आपकी, नहीं तो ऑफ, लैपटॉप अगर ऑफ रहेगा फिर भी तो बैटरी डाउन हो जाएगा, हाँ ऑफ भी रहेगा तब भी डाउन हो जाएगा, शॉर्ट हो गया ना, ग्राउंड चला जाएगा ना वो तो, बैटरी चार्जिंग आईसी कनेक्टर पे तो फिर वो 19 वोल्ट डायरेक्ट आ जाना चाहिए, 19 वोल्ट आएगा अगर एक पॉइंट पे एक हाई वोल्टेज है एक लो वोल्टेज है, तो उस पॉइंट पे कौन सी वोल्टेज रहती है, हाई या लो? हाई रहती है, वाह 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 वाह, अगर हम 5 वोल्ट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, अच्छा सुनो, अगर 5 वोल्ट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या 5 वोल्ट रहती है वहां पे? नहीं ग्राउंड होता है कि 5 वोल्ट रहता है? हां ग्राउंड होता है ना, इसका मतलब क्या है, अगर एक पॉइंट पे दो वोल्टेज आ रही है और एक की वैल्यू हाई है एक की वैल्यू लो है, तो कौन सी वोल्टेज रहेगी वहां पे? लो वाली वोल्टेज रहेगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ? लो वाली, ठीक है, अभी तो हाई बोल रहे थे, ठीक कोई बात नहीं, सीखता है आदमी, जब गलती करता है तो सीखता है, अब याद रहेगा कौन सी वोल्टेज आएगी, सिंपल, अगर ऐसे में कंफ्यूजन होना तो सिंपल वही सोचो, अगर हम 5 वोल्ट को ग्राउंड करते हैं तो वो 0 वोल्टेज जाता है वहाँ, 5 वोल्ट खत्म हो जाता है, इसका मतलब किसी पॉइंट पे अगर सेम वोल्टेज है, एक में हाई है एक में लो है, तो लो वोल्टेज वहां पर आएगी, ठीक है ना, क्लियर? कौन से केस में वो बैटरी कनेक्टर पे 19 वोल्ट रहता है? कौन से केस में बैटरी कनेक्टर पे 19 वोल्ट रहता है? 19 वोल्ट कब रहेगा बैटरी कनेक्टर पे?
बताओ तुम बताओ।